मंत्र का बहुत बता देते हम राजू पंडित को तंत्र क्या जी, उसकी स्त्री को बालक की प्राप्ति होगी, जो हमने लिखा हुआ बता देंगे, नहीं लिखा हुआ तो मना कर दे। पांडवकस्त का दरबार बड़े लिखे लोगों के कान खोलता है, मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों इस समय हम हैं पांडोकर सरकार धाम और आप देख रहे हैं सुरेश के ब्लॉग चैनल के माध्यम से। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज पांडोकर सरकार धाम पर जो दरबार लगता है। तो मैं जिस तरीके से आप लोग बता रहे थे कि भाई पांडोकर सरकार धाम का के कुछ दरबार का जो मेन रहस्य है वो दिखाइए, तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ तो पाँच मैदान में भी दिखा लिया, 12-13 डॉक्टर दिखा लिए, 3-4 MRI भी करा लिए, 4-5 अल्ट्रासाउंड करा लिए, कुछ नहीं। आप बेटा यहाँ अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं, किसी से पूछी तो नहीं? नहीं नहीं, किसी रसीद काटने वाले ने, गाड़ी वाले ने या किसी अन्य व्यक्ति ने आपकी कोई जानकारी तो अर्जित नहीं की? नहीं, किसी ने नहीं की। हमने लिखा पढ़े उसके, हमने लिखा है कि अंडकोष में चोट है जी लगी है, राजू पंडित द्वारा जेल में आप थे, मजाक मजाक में तुम्हारे जांग पे जी हाथ मार दिया, चोट लग गई, वो है उक्त अंग में लगने से आपको उसमें पानी एवं दबाव पड़ गया है, ये 7 तुम्हारे करीबन से है समस्या हल होगी। पहले सुनिए, देखिए स्क्रीन पर इस समय पंडित का सका दरबार में आप देख रहे हैं, जो आपने पूछा आप बताइए आपको चोट लगने गिरने से लगी है या कैसे लगी आपको चोट? सही लगी है, ऐसे लगी। कैसे? मजाक करते हो। किसने मारा? राजू पंडित। दादा समाप्त हुआ, आउट गो। नीचे तो ये तंत्र मंत्र का बहुत बता देते हम राजू पंडित को, तंत्र क्या क्या पता है किसने हाथ मारा है तो उसका प्रणाम दे लो। जिसका भी नाम अरुण कुमार हो, जिसका भी नाम अरुण कुमार हो, पिता का नाम मुद्रिका राम, अरुण कुमार पिता का नाम मुद्रिका राम कोई है? जल्दी आए। ये गुरुजी के पास पहुंचने वाला है और आप लोग देखिए जब गुरुजी जी सर, तो गुरुजी देखिए इनको झाड़ेंगे अभी। झारखंड से पलामू। झारखंड से क्या समस्या है? समस्या है कि माइक से बोलिए। दर्द है। क्या दर्द है? इसमें क्या होता है? दोनों पैर में। अच्छा, और मेरी बड़ी बेटी है जिसको बच्चे नहीं। बच्चे नहीं? बच्चे का नाम संगीता है? नहीं, राधिका है। राधिका देवी नहीं, संगीता नाम है। राधिका देवी। हमने कहा राधिका पति का नाम अनंजय है जी, उसकी स्त्री को बालक की प्राप्ति होगी जी, वर्ष 2023 में 16 नवंबर तक पुत्र होगा, आशीर्वाद है। लापरवाही करने में 2025 में 5 मई तक सफलता प्राप्त होगी, लेकिन हॉस्पिटल के दवा के माध्यम से परख नली से बच्चा होगा, आशीर्वाद है। पुत्री कविता, पुत्री बबीता, पति संसराम संतन या संतन जो भी है, संतराम जी का तनाव रहता है, कलेश खत्म होगा, तलाक की स्थिति बनी है लेकिन तलाक होगा नहीं, आशीर्वाद है। क्या कोई आपकी पुत्री का नाम बबीता है? जी जी। क्या आपके दामाद का नाम अनंजय है? संतन। मैं जो कह रहा हूँ राधिका के पति का नाम अनंजय है कि नहीं? जी जी। पंडो का सगाई के पास से मनोकामना पूरी होगी, आपका पर्चा इस पे आप नहीं कर पाए, शाम को देख पा रहे हैं। पंडोकर्ष का दरबार में हनुमान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी, पंडोकर्ष का 5 अवसर करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। भाई जी के डॉक्टर समाप्त हुआ। अरे चिंती कहां से आ रही है? राजपूत हो, किसी भी व्यक्ति का नाम किशन सिंह राजपूत हो तो सीख लाए किशन सिंह राजपूत। आप किशन सिंह राजपूत है, आपका नाम किशन सिंह राजपूत है, दो किशन सिंह राजपूत है, जिसके किशन सिंह राजपूत हो, जिसके पिता का नाम DR हो, बाकी के बैठ जाए। इससे ज्यादा बड़ा कोई भी पॉलिटिकल नहीं होता।
जय श्री राम। आइए नंबर भैया जी प्रणाम हो गया बैठे भाई भाई कहाँ से आएंगे भाई सब ग्वालियर से ग्वालियर में कहाँ रहते हैं ग्वालियर में रहते हैं एमसीएम की परेड एमसीएम की परेड क्या समस्या लगता है समस्या है हमारे चार बेटे हैं चार बेटों तीन की समस्या लेकर के आए हैं आपके पास सुनाइए और जो हमने लिखा हुआ बता दें नहीं लिखा हुआ मना कर दें एक हमारा छोटा बेटा है उसके थ्रू हमारा पैसा उसकी टीम का पैसा अमित जैन और प्रमोद वर्मा के पास फंसा हुआ है दो साल से और उन्होंने लिख करके दिया लेकिन पैसा नहीं दिया मैंने लिखा पढ़िए हमें लिखा प्रमोद कुमार अमित जैन से धन फंसा प्राप्त होगा प्रमोद से और अमित से जैन प्रमोद अमित जैन से धन प्राप्त होगा हुआ वर्ष 2023 के फरवरी तक 25% मिलेगा शेष माल 2024 तक मिलेगा लड़ने झगड़ने पर कानूनी कार्रवाई के दौरान बड़ी घटना भी घट सकती है पुत्री को जबान प्राप्त होगी छोटी बच्ची आपकी जबान से नहीं बोल पाती है उसकी जबान प्राप्त होगी जबान चलेगी और भरेगी वो तो बैठ नहीं पाती है चलेगी भरेगी तभी तो बैठेगी आपकी बच्ची विकलांग है कि नहीं नातिन है कि नहीं हाँ स्त्री बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम जय जय श्री पंडोकर सरकार की हाँ माइक जब दो घटा समाप्त हुआ जिसका नाम अनीता देवी हो खड़ा हो जाए जो भी बेटा बेटी बहन का नाम अनीता हो पति का नाम भवानी सिंह हो और उससे संबंध रखने वाले मनीष यादव जी यहां आए हो और मनीष यादव की पत्नी का नाम सीमा है वो आ जाए पंडोकर सका दरबार पढ़े लिखे लोगों के लिए है दोस्तों मैं जरूर कहना चाहता हूँ ये पंडोकर सरकार धाम पर जिस प्रकार से आप देख पा रहे एक एक करके जो दरबार में बुलाए जा रहे और उनकी मनोकामना और उनकी मन की बातें पढ़कर गुरुजी बता देते हैं तो आप देखने वाले हैं इस व्यक्ति को क्या इनके बारे में गुरुजी की क्या प्रतिक्रिया तो आप देख सकते हो पिता का नाम क्या है भोले सिंह यादव माँ का नाम क्या है स्क्रीन देख अनीता देवी गुरुदेव जी ने लिख दिया यादव के पुत्र आप हैं मनीष यादव की स्त्री सीमा जी को पुत्र होगा और आपकी मां निरोग होगी आपके घर में डाकिनी एवं सातिनी नाम की दो शक्तियां हैं जो आपको प्रभावित कर रही है कष्ट पहुंचा रही है संकट दे रही है लाभ होगा आशीर्वाद हनुमान जी पंडोकर सरकार पे आस्था श्रद्धा रखे गुरु कृपा होगी आशीर्वाद है जिसका भी नाम अजय सिंह हो पिता का नाम सन्नाम सिंह हो मां का नाम सावित्री देवी हो ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो जाए हमारे यहां दरबार की बुलाने की टेक्निक ही अलग है एक नाम ही पाया जाता बाप का मां का पत्नी का अब कहां से इतनी जानकारी लिया है दम हो पाऊ में हम जैसा पैसे ले लोग कहते हैं ना पंडो को सगा लेते हैं लेता हूं मेहनत करता हूं तुम्हारा डाटा कहां से लिया है कौन व्यक्ति दे रहा है ऐसी दुकान खोल लो जगह खूब पैसा आ जाएगा पंडो का सगा दरबार पढ़े लिखे लोगों के कान खोलता है अनपढ़ लोग तो पंडो का सगा के समापन से और है वो तो जहां पढ़े लिखे जाते वहां वो पहुंच जाते उन्हें तो जब बेटा जब पढ़ाइयां भी नहीं थी गुरुकुल थे तब से हमारे बड़े बुजुर्ग लोग परमात्मा को समझते थे और जीवन में कष्ट नहीं था अब सब कुछ होने पर भी कष्ट है कहां से आए यूपी प्रतापगढ़ यूपी प्रतापगढ़
क्या समस्या लेके आए? गुरु जी घर में सबकी तबीयत खराब रहती है और किसकी रहती है? नाम तो होगा कुछ? हाँ मम्मी की रहती है, बहन की रहती है। मम्मी का नाम क्या है? सावित्री देवी। पत्नी का नाम क्या है? उमा सिंह। बहन का नाम क्या है? मंजू सिंह। इनकी तबीयत रहती है? और झाड़ू भी कराया हमने? कराया बहुत कराया है। लोकल में जो भी है सवारी आती है, प्रेत और भैरव की शक्ति है, काली की चक्कर है, उमा देवी पर भी असर है, तत्काल ही घर की बाधा खत्म होगी, माँ की समस्या हल होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पंडोस का कृपा के मनोरथ पूर्ण होगा। आस्था श्रद्धा रखें, गुरु कृपा। अब डाटा समाप्त हुआ। जिसका नाम सविता देवी हो, सविता कुमारी, सविता देवी, किसी का भी नाम हो, खड़े हो जाए, आ जाए। भैया जब नाम बुलाते हैं तो लोग, अन्य लोग खड़े ना हो, जिसका नाम हो मिलता जुलता वो खड़ा हो सकता है। बोलिए पंडोका सरकार की बैठे। मैं भाई दीदी कहां से? भाई से हरियाणा से। भाई से हरियाणा से। आपका तो गला बहुत अच्छा है। हाथी पे कहते बैठ, क्या समस्या लेके आए? अपने विषय बताइए, सब सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। उदरीय मेरे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भजन ज्यादा है नहीं, सवाल तो कर ज्यादा है, सवाल। अच्छा सवाल है, क्या क्या सवाल है? एक तो आर्थिक व्यवस्था, देखो ये बहन का माइक कहाँ है, कितनी कर रहे बोल रही, आप लोग सुन पा रहे हैं, बोलो तो अच्छा है। हाँ बोलो। आर्थिक व्यवस्था खराब है। आर्थिक समस्या में क्या दिखे? जितना हमारा रोजगार है उसमें दो दिन चलता है जी। और दो दिन नहीं चलता है। ठीक, और कोई बात? और एक मेरी बेटी की आंखें खराब है। बेटी का नाम क्या? ज्योति, उसको ऑपरेशन बोल दिया। और कोई समस्या तो नहीं? एक मेरा बेटा है बड़ा जी, वो मारुति में अब तो पापा होगा या और कोई जॉब नहीं इसके लिए। हमने लिखा नाम सविता देवी है, पति का नाम हरिराज है और ज्योति की पुत्री की आपकी रोशनी प्राप्त होगी, ज्योति पुत्री की आपकी रोशनी प्राप्त होगी, प्लॉट जमीन का विक्रय होगा, धन आएगा, सब शादी सब होगी, गर्भवती होगी, तत्काल ही लाभ होगा और पुत्र की जॉब होगी प्राइवेट कंपनी में, आशीर्वाद है। और बाकी का उपाय जो भी है वो हमारे सोनू माजी बताएंगे। पीछे डाटा समाप्त हुआ। बोलिए पंडोगर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद जिसका नाम शमशेर सिंह हो, वाह, जिसका भी नाम शमशेर सिंह हो, है कोई शमशेर? शमशेर नाम है किसी का? चलिए हाथ तो डाल दिया करो। ये देखिए गुरु जी चिल्ला रहे, इतना आप चिल्लाओगे तो लाइटिंग भूल जाएगी। बोलिए पंडोगर सरकार की जय जय श्री राम। जय श्री राम। मुंबई से गुरु जी, मुंबई में कहाँ है? कांदिवली बेस्ट, बेस्ट कांदिवली बेस्ट। क्या समस्या लेके आए गुरु जी? बहुत परेशान हूँ। समस्या क्या है सब लोग सुन रहे हैं, स्पष्ट बोलिए ना। मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। क्या काम धंधा है? आस्टिंग का। आस्टिंग क्या होता है? हार बनता है, कान कान का नाक का, नाक का कान का, क्या हार बनता है? ये क्या होता है, गोबर का? नहीं गुरु जी, पहनती औरतें पहनती ना। नहीं हमारी मैया देखो सामने चूड़ी पहन लगाई थी पता, नहीं नकली हार बनता है सब। अरे वो भी नकली पहने गोबर की है तुम्हारी कसम, सच्चाई बोल रहा हूँ, मानते नहीं। भैया बताओ ना, बताओ पैन टाइप एक पैन ही है आर्टिफिशियल? हाँ तो पहने हैं कि नहीं? साड़ी भी गोबर की पहने हैं। हाँ मध्य प्रदेश में। हाँ मध्य प्रदेश के लोग हैं। हाँ जेल में वो सब केले का भी साड़ी पहनते हैं। हाँ समझदार है। हमने भी लिखा, पढ़िए, हमने लिखा है डॉक्टर नेट की तैयारी कर रही है पुत्री प्रीति यादव, नकली जेवर के काम धाम में उन्नति होगी, आशीर्वाद है, कंपनी क्रय और विक्रय होकर चलेगी, कंपनी में काफी पैसा आएगा, आशीर्वाद है, साथ ही
आपके फूलचंद पिता जगाराम जी को स्थान दे दीजिए और राम नारायण जी को पितर स्थान दे दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे घर में स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग। धन की कमी नहीं पड़ेगी, घर में शांति मिलेगी, आपके घर में पूर्व पूर्वज नारायण है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। आप ये बताइए, सही सही बोलेंगे? हाँ सही बोलिए। आपके घर में फूलचंद जी कौन है? ये मेरे दादाजी के पिताजी। और जगाराम जी कौन है? उनके पिताजी। रामनाथ जी कौन है? हमारे दादाजी के पिताजी। आप सोच लीजिए, ये पंडो का सगा दरबार आपको प्रकाश दे रहा है, इससे ज्यादा भारत में तो कहीं भी गए हो, किसी ने बताया हो? नहीं गुरु जी। बोलिए पंडो का सगा की जय। लेकिन भारतवर्ष में एक से गुरु है, ऐसे ऐसे गुरु है, हम माने कुछ भी नहीं है, बस ले लीजिए आंखें चाहिए उनको देखने, ये दिमाग चाहिए, और ये हो तो मैं गारंटी देता हूं किसी भी क्षण परमात्मा का दर्शन हो सकता है।